24 घंटा सेवा है बच्चों के लिए, 24 घंटा गर्ल्स के लिए अलग व्यवस्था तो स्वागत है आप लोग का गैंग्स ऑफ पटना में, और आज हम लोग आए हैं एक बुद्धा प्रीमियम लाइब्रेरी में। और एक और लाइब्रेरी था इनका यहाँ पे पहले से, लेकिन हमने नया खोला है। अभी राधा भैया हैं, राधा भैया ने खोला है, और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है ये, बहुत ज़्यादा कैजुअल। पता नहीं चलेगा कि आप कि ये यही मालिक बैठे हुए बगल में, इतने ज़्यादा कैजुअल है कि पता नहीं चलेगा कितने, मतलब लाइब्रेरी के बारे में और उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में बताते हैं क्या क्या होता है। तो राधा भैया बताइए ज़रा कि आपको, मतलब कि आपने जो पहले लाइब्रेरी खोला था, क्या सोच के आपने दूसरा खोला, कि आपको बिज़नेस बढ़ाना है, कि आपको क्या मन है, क्या इच्छा है? लाइब्रेरी फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हम नमस्कार, आपके जितना फ्रेंड हैं जुड़े हुए हैं सबको हम नमस्कार बोल रहे हैं। लाइब्रेरी एक बिजनेस नहीं है, लाइब्रेरी एक परिवार है, और हम ऐसा माहौल देना चाहते हैं कि कहीं आप जाते होंगे तो आपको अच्छा जो चीज़ लगता होगा वहाँ बार बार जाते हैं। हम ही सोच के बनाते हैं, चाहे कोई भी बिजनेस माइंडेड तो है नहीं कि हम जब भी लाइब्रेरी है तो हमको बिजनेस करना है। जितना स्टूडेंट है हम एक परिवार की तरह, भाई की तरह ट्रीट करते हैं उनको, उनको बिहेवियर हमको अच्छा लगता है, चलते हमसे जुड़ते हैं। और रही दूसरा लाइब्रेरी खोलने के कारण, वहाँ पर मेरा ऑलरेडी मतलब इतना फुल हो गया था कि हमको उन लोग मतलब ज़बरदस्ती जितना भी लइकन है सब फोर्स करके बोले कि भैया बगल में ही एक और डाल दीजिए। कोई रिस्क नहीं ले सकता है कि बगल में लाइब्रेरी है, बगल में डाल दे लाइब्रेरी, लेकिन सबके मांग पे हम यहाँ पर एक और ब्रांच लाइब्रेरी डाले हैं। नॉर्मल फी है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट का मंथली जो मिडिल क्लास फैमिली से है उसका क्या मंथली आता है, 4,000-5,000 रुपये आता है। अगर 100% दे दे 1,500-2,000 रुपये लाइब्रेरी में, तो रहेगा कहाँ, खाएगा क्या। एक नॉर्मल फीस है, 300-400 रुपया का फीस है, वही हम लोग चार्ज करते हैं। ये नहीं कि हम प्रीमियम लाइब्रेरी बनाएं तो हम 1,500 रुपया फीस लेंगे, ये नहीं। हम लइकन के देखते हैं कि कौन लेकिन है बेचारा कितना सहमत हो सकता है, हम उसी से पूछते हैं तुम कितना सहमत हो देने का, उतना ही दो बस, मेरा सर्वाइव कर जाए लाइब्रेरी इतना ही काफ़ी है। मतलब अपना भाई ही है और जितना स्टूडेंट है सब वही लोग हैं, सब आए हुए हैं बाहर से। ऐसा नहीं कि हम अपना सर्किल का दूसरा लोग को बुलाए नहीं है। जो लाइब्रेरी मेरा अदर जगह लाइब्रेरी मेरा फोर्थ ब्रांच है ये, सबसे पहला मेरा योगीपुर पहला लाइब्रेरी था, उसके बाद बाढ़ में, उसके बाद हनुमान नगर में लाइब्रेरी है, और ये चौथा ब्रांच ये है। और सब लइकने हैं अपन में, जो स्टूडेंट है पढ़ते हैं वही सब है।
सुविधा देखा जाए तो अभी इतना एरिया कंकड़बाग एरिया या पटना में कहीं भी इतना डिजिटल व्यवस्था बच्चों के लिए नहीं है। बहुत अच्छा व्यवस्था दिए हैं हम, किसी भी मामले में आप देख लीजिए, आप खुद से भी आप जाके देख सकते हैं, जितना बच्चों को जो चाहिए फुली एसी है, 24 घंटा सेवा है बच्चों के लिए, 24 घंटा गर्ल्स के लिए अलग व्यवस्था कर दिए हैं, क्योंकि एक लाइब्रेरी मेरा और है, तीन चार यहाँ पे मेरा ब्रांच है, तो पहले शिकायत आया करता था कि गर्ल्स के लिए, या चूँकि हम खुद देखते थे भी कि गर्ल्स के और बॉयज कहीं कहीं एक ही जगह है, मेरा भी लाइब्रेरी है उसमें एक ही जगह था, तो इस बार जो हम व्यवस्था किए हैं बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए अलग कर दिए हैं और बॉयज के लिए अलग कर दिए हैं, अपना जो मेरा अपना सोच है वो अनुसार दोनों अलग अलग व्यवस्था, वो टोटल फुली एसी है, पानी का व्यवस्था हो या और भी कुछ चीज़ का, जो भी चीज़ आप पूछ सकते हैं, जो भी और भी हमसे नहीं यहाँ के स्टूडेंट भी जो है उन लोग से भी आप पूछ सकते हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। जी सर, बहुत बढ़िया लाइब्रेरी बना है यार, ये देखिए यहाँ पे लाइट भी है। अरे वाह, लाइट भी है मस्त है ना और इसी को बढ़िया से सजा भी रहे हैं क्योंकि इसी में पढ़ना भी हम लोग। वाह, बहुत अच्छी पहल है समाज में, और हम लोग तो यहाँ चाहते ही थे कि एक इस तरह का लाइब्रेरी बने जिसमें इस तरह की सुविधा हो, और इन्होंने पूरा प्रयास किया है, और सारे जो स्टूडेंट लोग हैं उनका बहुत अच्छे से इन्होंने ख्याल रखा है, और ये यहाँ योगीपुर में अभी तक का मैंने मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि भी हनुमान नगर का सबसे शानदार लाइब्रेरी में से है। बाकी लाइब्रेरी से इसमें क्या फैसिलिटी अलग है? अरे अलग ही अलग है, देखिए तो ज़रा एकदम, ये जो लॉकर्स है और भी जो फैसिलिटीज है काफ़ी अलग हैं, है ना, और मुझे पूरा उम्मीद है, और ये जो लैपटॉप वगैरह होते हैं इतने जो चौड़े डेस्क हैं तो स्टूडेंट को काफ़ी सुविधा होगी, स्पेस ज़्यादा है। हाँ, काफ़ी स्पेस है, लाइब्रेरी खुल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब अपने ही लोग हैं, जितने सब भाई बंधु हैं अपने, और कैसा लग रहा है आपको? बहुत मस्त, बहुत मस्त। इसी में पढ़ाई करते हैं आप? तो आपके एग्जाम एग्जाम निकल रहा है कि बस ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं ना, बताइए भैया कैसा लग रहा है आपको? अरे नया लाइब्रेरी में कम से कम 6 घंटे हम लोग पढ़ा जाएगा। कितने आपका क्या टाइम मिलेगा पढ़ाई का? आप लोग कितने देर से पढ़ाएंगे? हम लोग का टाइम रहेगा मॉर्निंग में 3 बजे से लेकर 7 बजे तक। अरे वाह, और नया लाइब्रेरी भी है। अरे आपके लिए एसी लगवाया जिसे नया नया बुक होता है। अरे वाह, और इसकी फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि बगल में बुक का ऊपर बोर्ड दिया है, इसमें अपना बुक भी रख के जा सकते हैं घर पे, और यहाँ पे लाइट की भी सुविधा कितना बढ़िया है, तुम देख ही रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमको तो नहीं लग रहा है कि अगल बगल ऐसी लाइट की सुविधा और ऐसा कवर डोर दिया गया है। बहुत बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है। बताइए भैया, इसी में पढ़ते हैं हम लोग, ये तो बहुत दिन तक पढ़ते हैं इसी में पढ़ते हैं, और ये बंदा यहाँ पे सजा भी रहा है। वाह, कितना पढ़ने का ये जुनून है। जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं इस लाइब्रेरी में पढ़ेंगे? जरूर पढ़ेंगे, जरूर आएंगे। बहुत जल्द